YouTube channel Akhil Priya Classes. This is Priyanka Khilesh Dikshit, and today we are going to discuss the chapter number 2 of class 7th. और उसका हम एक सब पार्ट जो है उसको करने जा रहे हैं, यानी कि डाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, आज हम करेंगे उसको एक वन गो में. ठीक है, कि जैसे आपसे कोई पूछ लेता है कि एक्चुअली डाइजेशन होता कैसे, एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे इसको. डिटेल्ड वीडियो जो है इसके बाद आपको मिलेगी कि हर कंपार्टमेंट का हर क्या रोल है, वो हम डिटेल वीडियो अनदर पार्ट में देखेंगे. आज हम जस्ट एक वन गो में देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता कैसे है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आपसे कोई पूछ ले कि डाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, तो डाइजेशन इज बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस. जो हमारा फूड है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, उसको सिंपलर वंस में तोड़ने के लिए जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डाइजेशन. ओके, अब हम स्टडी करेंगे कि इसका फ्लो चार्ट क्या है, कैसे कैसे ये स्टार्ट होता है. अब चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो हम फूड लेते हैं, ठीक है, फूड को हम, जो हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, खाने से. ठीक है, तो जब हम फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो क्या है, स्टार्ट होता है माउथ से. ओके, तो माउथ से हम लेंगे तो सबसे पहला जो है वो माउथ से लेंगे, या फिर उसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं. तो जो बक्कल कैविटी है यहां से क्या हम फूड को लेंगे, तो इनटेक ऑफ फूड इज ऑल्सो नोन एज इंजेशन. ठीक है, इसको हम इंजेशन के नाम से भी जानते हैं. जैसे कि यहां से आपको पता ही चल रहा है, यानी कि इन, इन से मतलब हो गया कि आप किसी चीज को अंदर अपने ले रहे हैं. उसके बाद क्या है, जो हमारा फूड है वो आएगा सेकंड पॉइंट, यानी कि अब वो कहां आ गया, हमारे मुंह के अंदर तो आ गया, उसके बाद वो क्या होगा, फूड पाइप में आएगा. यानी कि वो फूड पाइप जो है एक स्टमक तक, यानी माउथ से लेके हमारे स्टमक तक एक ब्रिज की तरह या एक कैनाल की तरह एक्ट करेगा, जहां से हमारा फूड जो है पास होगा. अब ये फूड पाइप को आप ओसोफेगस भी बोलते हैं. ठीक है, हमारी जो फूड पाइप होती है वो कहां से कहां तक होगी, नेक से लेके चेस्ट तक होगी, क्योंकि उसके बाद जो है आपका स्टमक आ जाएगा. ठीक है, तो अब हमारा जो फूड पाइप है उसके बाद जो हमारा फूड है वो कहां आ जाएगा, स्टमक पे. जब हमारा फूड स्टमक में आ जाएगा तो यहां क्या है, डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. यानी कि जो इसमें से कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो रिलीज होंगे, वो क्या करेंगे, डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारा स्टमक हो गया. स्टमक के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी जो डाइजेस्टिव जूसेस है और ग्लैंड्स है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जो कि हेल्प करती है इसको जो हमारा फूड मॉलिक्यूल है उसको और ब्रेक डाउन करने में. ठीक है, और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करती है. इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का. एब्जॉर्प्शन किस चीज की भाई, एब्जॉर्प्शन होती है जो फूड मॉलिक्यूल हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो रह गए होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन करती है, होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन हो गई. अब उस एब्जॉर्प्शन से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उनको बॉडी के अंदर पूरे बॉडी में ट्रांसफर करना, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन. ओके, एब्जॉर्प्शन हो गया कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन हो गया कि आपने क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिले हैं वो पूरी बॉडी में आपको सप्लाई करना है, वो कहलाएगा एसिमिलेशन. ओके, उसके बाद जो है फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहां पर भी होता है एब्जॉर्प्शन, लेकिन यहां पर एब्जॉर्प्शन किसका होगा, वाटर और कई सारे सॉल्ट जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनका एब्जॉर्प्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा फूड जो है वो कहां जाएगा, रेक्टम में. रेक्टम से पास होने के बाद हमारा फूड जाएगा एनस में, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट पॉइंट है. और यहाँ क्या हो जाएगा, इजेशन. इजेशन क्या होगा, इसका मतलब कि जो अनवांटेड फूड प्रेजेंट था हमारी बॉडी में या टॉक्सिस जो प्रेजेंट थे हमारी बॉडी में उनका रिमूवल. ओके, सो इजेशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मटेरियल एंड द टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, उसको हम कहते हैं इजेशन. ठीक है, आई थिंक आप लोगों को फ्लो चार्ट से समझ आ गया होगा. ठीक है, हर एक चीज का रोल आपको समझ आ गया होगा. अब हम करते हैं आगे. अब हम बात करते हैं हमारी ग्लैंड्स की, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जिनका रोल होता है कि फूड मटेरियल जो है उनको ब्रेक डाउन करना और सिंपलर सब्सटेंसेस में. तो ये होती है हमारी ग्लैंड्स, सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियास. इनके बारे में डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अभी आप यहाँ पर इतना ही कर लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो माउथ से एनस तक कैसे था, और सेलिवरी हमारे पास कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो कि हेल्पफुल होती है डाइजेशन में. तो आई थिंक कि क्लियर हो गया कि ग्लैंड्स जो है हमारे पास तीन तरह की होती है, सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियास, जिनका रोल होता है सलाइवा को
मतलब सलाइवा जो है बनेगा और वो हेल्पफुल करेगा, और ये कुछ क्या डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सिक्रीट्स होंगे और हमारे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जहां से हमारा जो प्रोसेस है डाइजेशन का, वो इनटेक से लेके मतलब इंजेशन से लेके इजेशन तक जो है वो माउथ से आपका एनस तक चलता है, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो पूरा, इस पूरे को बोलते हैं हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने ग्लैंड्स पढ़ी, सेलेवरी, लीवर और पैंक्रियास, जिनका रोल क्या होता है खाने को और ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो है उनका मिक्सचर होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो आप लोगों को कहना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्वॉल्व है प्लस उसके साथ में कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स इन्वॉल्व है। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, फ्लो चार्ट के थ्रू से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे इंजेशन से हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है और डाइजेशन तक चलता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज उसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई कमेंट्स आपको लिखने हो, पॉजिटिव फीडबैक आपको देना हो, कोई सजेशन हो, क्यूरी हो, वो आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड द मोटिवेशनल थॉट टुडे इज अ लिटल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू द बिग रिजल्ट्स।